सभी दोस्तों को नमस्कार। हैप्पी बर्थडे वालों को जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उनके। आज है जी मंडे, मन भी सही है आज क्योंकि कल पेट ख़राब चल रहा, उल्टी दस्त हो लिए है, तो आज बेहतर है। एक दिन के उससे कितना पानी कम हो गया शरीर में से, देखो जरूरत पड़ गई शरीर उस पर। कुछ उम्र का तकाजा है और कुछ पानी की भी कमी हो गई शरीर में। बाकी जी चारा तो हम कल ले ही आए हैं, आज तो उससे हट के रूटीन है। अपने दोस्त को हमने से कर दिया आप बिल्कुल चौकन्ना, फ्रेश कर दिया बिल्कुल नवा नुबू का। हाँ भाई इडलर, अब मैं इसे कहूँगा तो यहीं बैठ रहेगा, तो यहीं बैठ रहेगा। मेरी बात तो मानता है पर मानता ही डर की वजह से ही है, क्योंकि इसकी दो चार बार मैं कर चुका हूँ कुटाई, तो इसलिए मेरी बात मानता। हाँ भाई इडलर खड़े हो जाओ, अब खड़ा हो ऐसे सुना है, चलो बैठ जाओ चलो। ये इतनी कमांड मानता है जी, मानता है थोड़ा सा सोच समझ के ही कि वो पिटाई कर सकता है, इसलिए हमारे उसकी राजी से समझाना हाबी तो ना आए थे। बाकी जी धानों का मसला रह गया, आए थोड़े से रह गए हैं उधर के, इन्हें भी कल उनको देखेंगे। आज तो खैर ऊर्जा नहीं बची इतनी कल की वजह से, तो इन्हें कल ऊपर रंग सुखाएंगे, ऊपर थोड़ा सा कुटवा लाएंगे इन्हें जब भी मौका मिलेगा। बहरहाल जी अब ट्रैक्टर स्टार्ट करके देख ले हैं थोड़ा सा, कभी बैटरी इसकी भी बोल जावे। अभी दो गड्डी बची है, क्या आलम धूल का चलती चीज हमेशा सही रहती है। ये है जी पुश बटन, मतलब पुश बटन स्टार्ट ट्रैक्टर हमारा, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसमें। कुछ की लेन लगाए और थोड़ी देर से कोल्ड स्टार्ट रखते हैं ट्रैक्टर को। तो ये सवा दस बजे का टाइम हो रहा है, जवान भी थोड़ी सी लड़खड़ा लगी रही है कमजोरी में बाकी 10:15 बजे का हो रहा है जी टाइम। अब हमें इत्तला हुई है कि जो सोसाइटी में गन्ना सोसाइटी में उसका मेला लग रहा है, बताऊँ मैं संशोधन का, तो वहाँ चल कर देख के आ मैं सट्टों के क्या हालात हैं। ज़मीनें तो घटा ही दी हैं उन्होंने पर उसमें कागजों में, तो देखते हैं क्या संशोधन हो सकता है, कुछ वहीं पर चल कर पता चलेगा। बाकी थोड़े से परफ्यूम सरफ्यूम लगा लें, ये रह गया आप मिस्टर प्रिंस बिश्नोई का इसमें गाड़ी में। तो जब से मेरी काम आ रहा है डीओ, खुशबू आएगी तो सही रहेगा। बाकी चलेंगे उनके हरबीर सिंह के साथ, उनका ही फोन आया है कि सट मेला लग रहा चल रहे हो गया, मगर चलो देख यहाँ में चल के क्या हालात हैं वहाँ के। तो जी आ गए मिस्टर हरबीर सिंह, चलो जी चलाओ इसे एम्बल आज जहाँ लेके चल रहे हो। कबूतर लेके आओगे बिल्ली तुम तो पिल्ला कबूतर ये लगाए फिर हैं हम तो। चलो जी धूप तो ठीक ठाक तेज है यार, ओके खाओ। तो जी पहुंच गए सोसाइटी और यहाँ तो बाकी भी मेला लग रहा है। यहाँ आया तहसील फर्द निकलवाना है, फर्द में भी लग रही है मेरी भीड़। अब अपन तो चलना है वापसी तहसील में, उसमें वो सोसाइटी में वो सरकारी उनका यूज मेला, भटकते रहो इधर उधर, अब फिर ही करवाऊँगा। अब तो खैर ना हो रही भीड़ भड़का में, काम भी इतना होता है, पेपर ले लेकर रख लें लोग बाग अधिकारी, काम होता नहीं। तो फिर पहुंच गए तहसील में, सरकारी काम को देख के मुझे एक बात की याद आई
तो मैं ऐसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा हो, 171 आवे वहाँ से भाग के बाउंड्री पे से और राहुल द्रविड़ टुक्के देने कर रहे हैं, तुम कितनी को कागज भर भर के लिए उनके पास को सरकारी दफ्तर वाले उधर वो आखिर में आगे एक कागज बता देंगे कि जी यो लिया हो तुम जाके, मतलब ऐसा मान लो टुक्के देने कर दे राहुल द्रविड़ तरी बात खत्म। ये बैठे हैं जी दो मुंशी जी, हाँ भाई काम हो गए तुम्हारे, काम हो गए ठीक है, हो गया मैंने 10,000 कह दी तो अच्छा जी। हाँ भाई 10,000 की बात पूरी करो, हाँ भाई 10,000 की बात पूछ लो पहले, मैडम कुछ ना पता है ना, तुम बताओ 10,000 रुपये बात किससे हो गई तुम्हारी इनसे, बढ़वा दो जो है 10,000 रुपये पर्ची नहीं बढ़ रही हर साल जो है गन्ना ज्यादा रहा है पर्ची कम रहा है, जो है 4 साल से आ रहा हूँ मैंने की भाई मैं पर्ची से बहुत परेशान हूँ भीख मांगनी पड़े और मुझसे 5,000 ले लो 10,000 ले लो मेरी पर्ची मुझे इतनी पर्ची दे दो जितनी जो है गन्ना पड़ रहा है मेरा, तो कह रही बेसिक कोटा बढ़ाओ, बेसिक कोटा जब बढ़ाऊंगा ये पर्ची दे दोगे बगैर पर्ची के बेसिक कोटा कैसे पड़ जाएगा, वो तरकीब कौन सी है ये दुविधा है। अब आया हूँ यार कैलेंडर कैलेंडर लेना लेके जो है कोई सुनने उठे यार ना दुनिया की बात बताऊंगे बेतु की अनपढ़ों वाली, मैं बताई ना वो क्रिकेट वाली के बाद में पूरा कागज लेके आवे बढ़ा दो, मैं पर्ची है नहीं बेसिक कोटा कैसे बढ़ा दूंगा, जाहिर सी बात है पर्ची डालेगा जब तो जी उसमें सप्लाई बढ़ेगी जब बेसिक कोटा बढ़ेगा, 4 साल हो गए सालों के धोरा था इस, हाँ जी तुम बताओ कुछ कहना चाह रहे हो तो इनकी बात पर सहमत हो नहीं, हम तो सहमत है हमारा तो सही चल रहा, अच्छा तुम्हारा सही चल रहा चलो सही है, तुम्हारी समझ का संविधान सरकारी उसमें ना हो पाएगा, तुम देख रहे हो भीड़ का आलम, चलो चलो खाना वाना खाएंगे, नाराज हो गए किसान खेत पे मिल जाओ ना ऐसे दिखाई तो जब पता चला है कहाँ गए कहीं ना क्या लाए कुछ ना कोई वाली कहानी है, पीछे इनकी भी और हमारी तो खैर है ही। तो ये अब तीसरा पहर चालू, 4:15 बज रहे हैं, अपन चलते हैं जिम वर्कआउट करके आए हल्का फुल्का, जब ही एनर्जी जो है रिस्टोर होएगी अपनी बॉडी में, वैसे पाचन क्रिया दुरुस्त है ठीक ठाक है मामला, हालांकि स्ट्रेंथ तो आज कमी महसूस होएगी क्योंकि कल का खाया पिया पचा नहीं कुछ, बाकी चलते हैं जितना भी होगा करके आम है। देखो हिटलर दिखाई नहीं दे रहे फिलहाल, अब बुलाता हूँ हिटलर, आ गया ठीक है कम जल्दी आ जा, चलो घूम फिर ले तू कर ले बालक आ गए, चल भी चल अंदर चल हिटलर चल ओए अंदर चल 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 अंदर चल 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 इधर को आ रे इधर को आ चल, जय श्री राम जय हो हनुमान जी की, मिस्टर प्रिंस बिश्नोई को फोन करा जी, वो तो मैं फोन ठहरा नहीं अपन का, तो हमने अपना पक्ष पूरा करा, उनकी छुट्टी अभी ख़त्म ही नहीं होने में आ रही महाराज की, वीडियो देख रहे हूँ मैं तो ज़रा जवाब दे मैं इस चीज़ का, कहीं कोई नामो निशान नहीं। तो जी पहुँच गए हैं जिम, यहाँ जो है स्टीम का इंतजाम है, भरपूर गर्मी है, जैसे जैसे लड़के बढ़ेंगे गर्मी भी बढ़ेगी, करें जी जरा चेस्ट का वर्कआउट, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वर्कआउट हुआ जबरदस्त अपना, बाकी अब चलते हैं घर की तरफ को नहांगन होऊंगा चल के। लो जी वो खेत देखो जो मैं 15 दिन पहले कह रहा था तो सूख जाएगा, तो सूख ही गया सारा खेत, यो तो बिल्कुल ऐसे बहुत खेत सूख गए हमारे यहाँ, तो गेहूं वाले जितने भी हैं 38 वाले वो तो सब सूख ही गए,
बाकी हमारे बैकग्राउंड में सूर्य देवता अपने घर की तरफ उजल दिए और हम अपने बाकी आज के ब्लॉग की यही समाप्ति करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत धन्यवाद।